हाय हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका उस चैनल में जहां आपको मिलती है बॉलीवुड से जुड़ी 10 बड़ी हेडलाइंस। तो चलिए शुरू करते हैं आज का काउंटडाउन। नंबर 1, शाहरुख खान और एटली ने आखिरकार अपनी मोस्ट अवेटेड एक्शन एंटरटेनर जवान की सारी अहम अहम सीन्स की शूटिंग पूरी कर ली है। ऐसे में बताया जा रहा है कि जवान टीम अब अप्रैल के महीने में 10 दिनों तक 2 सॉन्ग्स की शूटिंग करेगी। शाहरुख खान और नयनतारा मुंबई में अप्रैल के पहले वीक में यानी कि 5 तारीख को जवान के पहले गाने की शूटिंग करेंगे। उसके बाद से दीपिका के साथ शूट शुरू होगा और 15 तारीख तक इसे भी निपटा लिया जाएगा। नंबर 2, सलमान खान ऐश्वर्या राय अब लाइमलाइट में बने हुए हैं। दरअसल हाल ही में 2 दिन तक चले नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर के लॉन्च इवेंट की कई फोटोज सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं, जिनमें सबसे ज्यादा सलमान ऐश की तस्वीर लाइमलाइट में है, जिसके बाद से फैंस इस तस्वीर को देख करके क्रेजी हो गए हैं। पूरे 24 साल बाद एक फ्रेम में सलमान और ऐश नजर आए हैं। नंबर 3, शाहरुख खान का एक जबरदस्त वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसको देखकर फैंस भी सुपर हैप्पी हो गए हैं। दरअसल शाहरुख खान अंबानी के कल्चरल इवेंट में स्पेशल गेस्ट बनकर पहुंचे थे और स्पेशल गेस्ट बनते हुए शाहरुख खान ने स्टेज पर धुआंधार परफॉर्मेंस दी थी और अपने डांस से दर्शकों को अपने सुपर हिट गाने झूमे जो पठान पर नचा डाला है। नंबर 4, अजय देवगन की फिल्म भोला के पहले वीकेंड के आंकड़े सामने आ गए हैं। फिल्म ने इन 4 दिनों में 44.28 करोड़ का कलेक्शन किया है। देखिए, भोला ने पहले दिन पर यानी थर्सडे को 11.20 करोड़ का आंकड़ा पार किया, फिर फ्राइडे को ये आंकड़ा 7.40 करोड़ था, लेकिन फिर सैटरडे को कलेक्शन में थोड़ी ग्रोथ देखने को मिली और फिल्म ने फिर 12.20 करोड़ का कलेक्शन किया और फिर संडे को भोला की कमाई 13.48 करोड़ थी। नंबर 5, वरुण धवन ने अमेरिकी मॉडल जीजी हदीदी के साथ अंबानी के पार्टी में डांस के दौरान गोद में उठाकर किस कर लिया था, जिसके बाद से लोग उन्हें ट्रोल कर रहे थे, लेकिन अब वरुण ने इस पर अपना रिएक्शन देकर साफ कर दिया है कि ये सब पहले से ही प्लान था। वरुण ने ट्वीट कर लिखा, आई गेस टूडे यू वोक अप एंड डिसाइडेड टू बी वोक, सो लेट मी बर्स्ट योर बबल एंड टेल यू इट वॉज प्लान फॉर हर टू बी ऑन स्टेज, सो फाइंड अ न्यू ट्विटर कॉज टू इवेंट अबाउट रेदर देन गोइंग आउट एंड डूइंग समथिंग अबाउट थिंग्स। नंबर 6, सैफ अली खान ने जूनियर NTR की अगली प्रोजेक्ट में खतरनाक एंटागोनिस्ट की भूमिका के लिए ना कह दिया है। इस फिल्म का नाम NTR 30 दिया गया है, जिसे अब तेलुगु में हैदराबाद में शूट किया जा रहा है। जानवी कपूर फिल्म में जूनियर NTR के अपोजिट फीमेल लीड रोल में है। सैफ को एंटागोनिस्ट की भूमिका की ऑफर की गई थी। ये एक बहुत ही अट्रैक्टिव ऑफर था, जिसे उन्होंने ठुकरा दिया है। नंबर 7, नवाजुद्दीन सिद्दीकी और उनकी एक्स वाइफ आलिया के बीच बच्चों की कस्टडी को लेकर आज सुनवाई होनी है। जस्टिस नवाज और आलिया के बीच इस कंट्रोवर्सी की हियरिंग कर रही हैं। 30 मार्च को हुई पिछले हियरिंग में कोर्ट ने कहा था कि बच्चों के फ्यूचर को देखते हुए वो मामले को बंद कमरे में सॉल्व करना चाहते हैं। नंबर 8, साउथ इंडियन एक्टर नानी की फिल्म दसरा थिएटर में खूब बवाल कर रही है। फिल्म ने वर्ल्ड वाइड अब तक 87 करोड़ का कलेक्शन किया है। अब ऐसे में फिल्म के निर्माताओं ने अपने हिंदी भाषी दर्शकों के लिए फिल्म के टिकट की कीमत कम करने का फैसला किया है। उन्होंने ऐलान किया है कि अब फैंस सोमवार से थर्सडे तक केवल 112 रुपए में टिकट खरीद सकेंगे। नंबर 9, अमिताभ बच्चन स्टारर एक कोर्ट रूम ड्रामा थ्रिलर सेक्शन 84 में अब एक न्यू एक्ट्रेस की एंट्री हो गई है। बताया जा रहा है कि इस फिल्म में डायना पेंटी अमिताभ के साथ स्क्रीन शेयर करने वाली हैं। सेक्शन 84 रिलायंस एंटरटेनमेंट और जियो स्टूडियोज के कोलैब से प्रेजेंट किया जाएगा और रिलायंस एंटरटेनमेंट और फिल्म हैंगर के जरिए ये निर्मित है। फिल्म का डायरेक्शन रिभु दास गुप्ता करेंगे। नंबर 10, अजय देवगन की फिल्म भोला को अब अपना प्रॉफिट कैथी के मेकर्स के साथ शेयर करना होगा। दरअसल साउथ की फिल्म कैथी के मेकर्स को अजय की भोला के थिएट्रिकल एंड नॉन थिएट्रिकल रिवेन्यू से 5% प्रॉफिट दिया जाएगा। बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज, गॉसिप, फिल्म रिव्यू, सॉन्ग रिव्यूज के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल क्रेजी फॉर बॉलीवुड को। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि हमारे चैनल पे आई कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आप बिल्कुल भी मिस ना कर पाएं।